नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। आज हल्द्वानी में सभी लोग उस समय चौंक गए जब एक महिला अचानक सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण करने आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पैरों में गिर गई, जिससे मुख्यमंत्री के साथ ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और सभी ने उस महिला को उठाया। चलिए पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। दरअसल आज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक लंबे समय से अपनी मांग के लिए आंदोलन कर रहे उपनर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को घेर लिया। इस दौरान अस्पताल में काम करने वाली एक महिला मुख्यमंत्री के आगे अपनी मांगों को लेकर गिड़गिड़ाने लगी और मुख्यमंत्री के पैरों पर गिर गई। महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके बच्चे रोड पर आ गए हैं और इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। दरअसल उपनर कर्मचारी नियमितीकरण और सामान्य कार्य के अनुरूप समान वेतन और हड़ताल के दौरान 78 दिन का वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के करीबियों पर उनको धोखा देने का आरोप भी लगाया है। तो मुख्यमंत्री से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए और देश प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए जे जे न्यूज़ के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।